नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज हम रिवीजन देख रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ये सेकंड पार्ट है। जैसा कि आप सबको ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम किस तरह के क्वेश्चन को फेस करेंगे एग्जाम में, या किस तरह के प्रश्न आएंगे और उनके आंसर क्या होंगे। दूसरी बात ये रहता है कि सर इनका रिवीजन करा दीजिए टॉपिक वाइज। आप इस बात पे ध्यान दें कि रिवीजन के टाइम पे आपको वहां पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स को यदि समझना है तो आप इस तरह से नहीं चल सकते कि आप टॉपिक टू टॉपिक अगर आप चलेंगे फिर लास्ट में क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास डबल टाइम नहीं है। तो चूंकि आपके पास सिर्फ सिंगल टाइम है, इतना ही टाइम है कि आप रिवीजन करें और कुछ क्वेश्चन का भी जवाब दें। तो अब जो टाइम है हम ये सोच के चल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आए, क्वेश्चन छोटे हो या बड़े हो, सारी तरह के क्वेश्चन इसमें आए शामिल हो। और ऐसे छोटी छोटी बातें जिनको हम छोड़ देते हैं या हम बिल्कुल ये उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें जिन पे हम ध्यान दे सकें और एग्जाम में जब आए तो उन प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकें। दूसरी बात है, टॉपिक भी यहां पर शामिल हो जा रही है और इंपॉर्टेंट चीजें भी शामिल हो जा रही है, यानी कि परफेक्ट रिविजन हो रहा है। अगर आपको परफेक्ट रिवीजन चाहिए तो इसे कंटिन्यू रखिए। और याद रखिएगा, जब पी ब्लॉक एलिमेंट से कोई क्वेश्चन आएगा तो जितनी हम आपको बात बताएंगे यहां पे उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। सो आप कंटिन्यू रहिए और देखिए फर्स्ट ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हमें याद रखना है, समझना है, वो देखें। पी ब्लॉक एलिमेंट्स रिविजन का पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पार्ट टू। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एंटी क्लोर। शब्द आया एंटी क्लोर क्या है? एंटी क्लोर, प्रतिक्लोर, इस तरह के शब्द आते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा जब किसी पदार्थ का विरंजन किया जाता है यानी ब्लीचिंग की जाती है तब, यानी कि उसका रंग उड़ाया जाता है किसी पदार्थ का, तब उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में क्लोरीन रह जाती है। यदि कपड़े में किसी तरह से, कपड़े में हो या पेपर में, थोड़ी बहुत भी अगर क्लोरीन रह जाए तो वो एसिड का काम करेगा और उस कपड़े को खराब करेगा, यानी सेलुलोज को जलाने लगेगा। तो वहां से क्लोरीन हटाना आवश्यक है। तो क्लोरीन को हटाने के लिए एक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, वो गैस है SO2 गैस। ये SO2 गैस यहां पर एंटी क्लोर का काम करता है। पहला शब्द है एंटी क्लोर है क्या, इस शब्द पे ध्यान दें। ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा या क्लोरीन के द्वारा जब किसी पदार्थ का विरंजन किया जाता है तब उसका, उसमें थोड़ी मात्रा में क्लोरीन रहती है। उस क्लोरीन को हटाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे एंटी क्लोर कहते हैं। और एंटी क्लोर के रूप में हमारे पास है SO2 गैस। अब यह कैसे काम करेगा इसे समझें। देखें, क्लोरीन रहता है किसी पदार्थ में जिसका विरंजन किया गया है, इसमें हम SO2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं। उस पदार्थ को या उस कपड़े को जिनका विरंजन किया गया है जिसमें क्लोरीन है उसमें, उसे गीला कर लिया जाता है यानी उसे पानी में डुबा लिया जाता है, फिर उसमें SO2 गैस प्रवाहित किया जाता है। ये जो है वो है एंटी क्लोर है। काम कैसे होगा जरा समझें। इस जगह पर HCl बनेगा, हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, दो क्लोरीन है दो हाइड्रोजन, निकल गया HCl। दूसरा क्या होने वाला है, यहां पर बचा हुआ ऑक्सीजन इनको ऑक्सीडाइज कर देगा तो SO3 गैस बन गया है। और ये जो SO3 है, एक्चुअली होता यह है कि SO2 जो है इससे ऑक्सीजन लेकर के SO3 बन गया। अब यहां पर समझेंगे बातों को कि ये दो बार, एक बार और पानी आएगा, हेलो ये बन गया SO3, आप समझ रहे हैं SO2 प्लस O बन गया SO3, और जो SO3 वो पानी से मिल जाएगा और बन जाएगा क्या चीज, H2SO4। इस तरह से यहां पर बन गया, हमें प्राप्त हो गया H2SO4। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि क्लोरीन गैस जो पानी में कम घुलनशील होता है, SO2 जो पानी में कम घुलनशील होता है, अब इन तीनों की रिएक्शन होने पे क्या मिला, HCl जो ज्यादा घुलनशील है, H2SO4 जो ज्यादा घुलनशील है। इस तरह से वहां कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित क्लोरीन घुल करके अलग हो जाएगा
वहां से अलग हो जाएगा। अब इनको धो करके हम साफ कर सकते हैं उस पदार्थ को जिसका ब्लीचिंग किया जा रहा हो, है ना, जिसका ब्लीचिंग किया गया हो। अब इस तरह से वहां पर से पानी, सॉरी क्लोरीन गैस निकल चुका है। अब आप समझ में आ चुका होगा कि ब्लीच एंटी क्लोर क्या है, बिल्कुल, और ये रिएक्शन इसके लिए होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। दो प्रश्न आपके पास और, एक प्रश्न है कि फ्लोरीन, फ्लोरीन का अयस्क क्या है, फ्लोरीन गैस हमें कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारे पास है फ्लोरीन का अयस्क, फ्लोरीन का खनिज, या फ्लोरीन किससे प्राप्त किया जाता है। अब समझ में आ रही बातें, एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से मिलेगा। दूसरा है जिनोन के कंपाउंड, किसका, जिनोन के कंपाउंड यौगिक। तो फ्लोरीन के दो अयस्कों के नाम लिखिए, जिनोन के दो कंपाउंड के नाम और फॉर्मूला लिखिए, इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको यहां पर मिल रहा है। फर्स्ट, फ्लोरीन के, फ्लोरीन कहां से प्राप्त करोगे, फ्लोरस्पार, कैल्शियम फ्लोराइड, फ्लोरस्पार कैल्शियम फ्लोराइड। दूसरा है क्रायोलाइट, Na3AlF6, इनको ठीक से लिख लीजिएगा, Na3AlF6, ये कहलाता है क्रायोलाइट, इसमें फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन क्रायोलाइट से और फ्लोरस्पार से प्राप्त किया जाता है। तो इनके दो खनिज हैं फ्लोरीन के, या दो अयस्क हैं, ओके, और अयस्क। और जेनॉन के कंपाउंड, जेनॉन के फ्लोराइड, और दो फ्लोराइड यहां पर लिख दिया गया है, जेनॉन XeF2, जेनॉन डाइफ्लोराइड XeF4, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड XeF6, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। जेनॉन के ऑक्साइड अगर कंपाउंड बोला है तो ऑक्साइड, फ्लोराइड बोला है तो ये, जेनॉन का कौन कौन से फ्लोराइड होते हैं तो यही होगा, जेनॉन के ऑक्साइड XeO, XeO3, XeO2, XeO3, ये कुछ कंपाउंड्स है जेनॉन के। जनरली आप जितना याद रख सकते हैं उतना रखेंगे, एग्जाम आपके हाथों में होगा, आंसर आपके हाथों में होगा, बहुत बेहतर काम करके आएंगे आप, ओके। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। अभी एग्जाम की तैयारी चल रही है और एग्जाम की तैयारी में आप भिड़े हुए हैं, बस परेशानी ये हो रहा है कि हर बार कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसको बनाने में, जिसको सॉल्व करने में पसीने छूट जा रहे हैं, यानी कि वो क्वेश्चन बन नहीं रहा है, डाउट आ गया। इस डाउट को दूर कैसे करेंगे, इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, नंबर है 8400 400 400 8 400 400 400 पर अब व्हाट्सअप करिए, उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए व्हाट्सअप में, क्रॉप करिए जितना क्वेश्चन है और फिर सेंड कर दीजिए, बस थोड़ी समय में आपके पास उसका आंसर आपके पास अवेलेबल होगा। और जरूर बताना कि वो आंसर राइट आया है कि रॉन्ग आया है, क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल। चलिए व्हाट्सअप करिए आपके डाउट। ऐसे प्रश्नों को तो याद रखना चाहिए हमेशा, पर याद नहीं रहता है क्योंकि हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं, यहीं से हम एग्जाम में कम मार्क्स लाते हैं। सो क्वेश्चन क्या है उसे देखें। क्वेश्चन है, कैंसर चिकित्सा में उपयोगी रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस कौन सा है। अरे कुछ नहीं सोचना, यहां पे सिर्फ यही सोचना, अक्रिय गैस बोला है, इनर्ट गैस बोला है, नोबल गैस बोला है, तो नोबल गैस में रेडियो एक्टिव बोला है उसने। रेडियो एक्टिव कोई गैस नहीं होती, सबसे लास्ट वाला नीचे रेडॉन होता है, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में ही हिंट है। अब बोले सर कैंसर वाली बात आ रही ना, तो कैंसर वाली बात है तो कैंसर वाली बात में प्रॉब्लम क्या है, दूसरी चीज यहां पर रेडियो एक्टिव जोड़ दिया गया, उन्होंने हिंट कर दिया, तो जवाब मिल गया आपको कि रेडियो एक्टिव गैस, अक्रिय गैस कौन सा होता है, रेडॉन, ये आप जानते हैं। सो ये इसका आंसर हो गया, एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। दो तीन क्वेश्चन मिक्स होकर के 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, यहां पे बड़े क्वेश्चन
छोटे छोटे क्वेश्चन से मिलकर के भी बनते हैं केमिस्ट्री में, जैसा कि आप जानते हैं। तो चलो अगला प्रश्न है, हेलोजन के ऑक्सी अम्लों को उनकी अम्लीय शक्ति के बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। हेलोजन के ऑक्सी अम्ल, हेलोजन के ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं? हेलोजन के ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं जरा सोचो। हेलोजन के ऑक्सी अम्ल मतलब मैं अगर क्लोरीन को लेके चलूं तो क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल, क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल HClO होगा, HClO होगा, HClO3 होगा, HClO4 होगा। ये हेलोजन के ऑक्सी अम्ल हुआ है। कौन सा? क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल हुआ। अब हेलोजन का कोई भी एक कंपेयर कर लीजिए, HCl क्या बोलते हैं, फ्लोरीन है तो HFO, HClO, HBrO और HIO, ये कम स्टेबल है, छोड़ दीजिए, इनके अंदर कंपेयर कर लीजिए। तो याद रखो छोटी सी बातें, किसी भी एसिड की जो अम्ली प्रबलता है, ऑक्सी एसिड की अम्ली प्रबलता है, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर डिपेंड करती है। ये सेंट्रल एटम के मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करती है। और यहां पर ClBri में विद्युत ऋणात्मकता Cl से ज्यादा Br की है और Br से ज्यादा किसकी है? क्लोरीन की है। सो आप देख लो इस तरह से, इनसे ज्यादा अम्ली ये होगा, इनसे ज्यादा अम्ली ये होगा। ये प्रश्न आपको दूसरे रूप में भी आ सकता है कि हेलोजन के ऑक्सी अम्लों की, यहां पर शब्द ओनली क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों की अम्ली प्रबलता लिखिए, तब यहां पर बात कुछ और होगा। बातें हम एक जगह पर जब आ जाता है ना तो हम आपको समझा देंगे, हम आपको आगे जाके बताएंगे कि भाई ये क्वेश्चन आपको रिवाइज हो गया, कहीं ना कहीं हम आपको देंगे जरूर, लेकिन यहीं पे समझ जाएंगे दोनों बातें तो वो वाला प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम समझने की बात खत्म हो जाएगा। आपको हम बोल देंगे हमने पढ़ा दिए, आप बैक जाके देखिए। ओके, तो चलिए दूसरी बात होगा, अगर यहां पर क्लोरीन शब्द है तब इस बात पे ध्यान देना, HClO होता है, HClO2 होता है, HClO3 होगा और HClO4 होगा। यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए एक दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलना पड़ेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ यानी अम्लीय शक्ति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, केंद्रीय ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा अम्लीय प्रबलता होगी। अब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस, यहां पर +1 Cl का, यहां पर है +3, यहां पर है +5 और यहां पर है +7। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है सो अम्ली प्रबलता भी इसी ऑर्डर में बढ़ेगा। समझ गए आप? HClO से ज्यादा अम्ली HClO2 होगा। या हमने जैसे अपने टाइम पे याद किया था, मैं अपनी टाइम की बात बता दूं तो मैंने अपने टाइम पे याद किया था ऑक्सीजन बढ़ता है इसलिए, क्योंकि हमें किसी ने गाइड नहीं किया था। मुझे याद आ रहा है उस टाइम पे जब मैंने 12th में इस चीज को समझा था, मैं ऐसे कभी याद नहीं करता हूं कि ये होता है। मैंने याद किया था ऑक्सीजन जिसका ज्यादा होगा, लेकिन वो बात ऐसा नहीं है। वो बात है कि सेरिलेट ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड की ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम की, सेंट्रल एटम की सॉरी, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा अम्ली होगा। सो ये ज्यादा अम्ली होगा और उससे ज्यादा HClO4 अम्ली होगा। अगर यहीं पे प्रश्न आ गया H2SO3 और H2SO4 में कौन अधिक अम्ली है, ये भी प्रश्न है, तो कारण समेत बात होगी कि केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे कितना है, 3 × 6, 6 × 2 = 4 +4 और यहां पर है +6। सो अधिक अम्ली होगा ये। ऐसे कई कई क्वेश्चन हैं जो एक जगह पे सीखने पर दूसरे जगह पे जवाब दे सकते हैं।
आप समझ रहे होंगे कि कितनी जरूरी है इन सारी चीजों को समझ पाना। अब अगला प्रश्न है उसको देखें। XeO3 व XeO4 में XE में संकरण तथा आकृति समझाइए। ये तो मेरे हिसाब से बिल्कुल टफ नहीं है। आपको संकरण निकालने की जो पद्धति बताई गई है, जो सिस्टम बताया गया है, उसके आधार पे आपको कई बार हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो क्या होंगे उसके बारे में बातचीत करते हैं। अगर आपने इनको नोट कर लिए तो देख लीजिए, नहीं किए हो तो हम थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। आपको इसी तरह से पढ़ाई करना है तो आपको हमारे वेबसाइट में पूरे कोर्स मिल जाएंगे विद्याकुल.com, और हमारा ऐप है विद्याकुल, विद्याकुल यहां पर हमारे पूरे कोर्स अवेलेबल है। अगर आपको किसी तरह की कोई इंक्वायरी चाहिए तो यहां पर जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक। तो चलिए आगे की पढ़ाई करते हैं। यहां पर देखें संकरण के लिए आपको जो बताया गया है उस चीज का उपयोग करिएगा। क्या बताया गया है फॉर्मूला एक बार चेक कर लीजिए, मैं फॉर्मूला दे देता हूं। संकरण बराबर फॉर्मूला देखें क्या बोला गया है, संकरण बराबर केंद्रीय परमाणु का समूह HFCl-Br(I) की संख्या माइनस चार्ज बाई टू। XeO केंद्रीय परमाणु है XE और ग्रुप है 8A। 18A नहीं करेंगे, 8A क्यों, क्योंकि अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कोश में हम इस शब्द पे केंद्रीय परमाणु का समूह की जगह पे केंद्रीय परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शब्द लगा सकते हैं। तो इसका क्या होगा 8A प्लस HFCl-Br(I) जो हाँ सराउंडिंग एटम है उसमें से शामिल होना चाहिए। एक संयोजी परमाणुओं की संख्या नहीं है, ऑक्सीजन है वो नहीं है, यानी कि जीरो। माइनस चार्ज है जीरो, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बाई टू। एट ये हो गया 8/2 यानी कि 4। 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। आप जानते हो SPDF सबशेल होते हैं, इसमें एक ऑर्बिटल, इसमें P में 3, D में 5, इस तरह के होते हैं। F का तो 7 होते हैं, पता है कितने पार्टिसिपेट किया, 4। 1, 2, 3, 4 आपको याद आ गया होगा पूरी बातें। तो ये हो गया 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है 1s3p sp3। यहां पर लिखा हुआ है XE, चलिए O3 लिखा हुआ है नेक्स्ट, तो इसमें कौन सा संकरण होगा। तो आप क्या बोलेंगे, केंद्रीय परमाणु XE ग्रुप नंबर 8A, मैंने यहां पर लिख दिया 8A। हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं है, जीरो। चार्ज नहीं है, जीरो बाय टू, यानी कि ये भी आया 4, यानी इस पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और भी बात कर लेते हैं, दूसरी बातें, XeF2 हुआ तो क्या करेंगे आप। केंद्रीय परमाणु XE जो है कहां पे है बोलो, ये है 8वें ग्रुप में है, तो 8A मैंने लिखा प्लस HFF2 टाइम्स है, मैंने 2 लिखा, फिर कितना हुआ माइनस, कोई चार्ज नहीं है, 0/2। 8^2 / 8^2 यानी कि 10/2 यानी कितना हुआ 5, यानी कि एक S, 3 O P और एक D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। सो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d। अब ये वाला जो मैंने ट्रिक आपको बताया था वो आपको याद आ रहा होगा, तो मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे एग्जांपल दे करके मैं आपको यहां पे ट्रिक की तरफ आपको ले जाऊं, टाइम इतना नहीं है इतने करने के लिए। आपको प्री बेसिक केमिस्ट्री क्लास आपको मेरा देखना होगा अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उनके लिंक मैं नीचे दे दे रहा हूं प्री बेसिक केमिस्ट्री का, ये आप कहीं से भी आप ओपन कर सकते हैं। प्री बेसिक केमिस्ट्री मैंने लिखा है, हमेशा याद रखना अगर केमिस्ट्री में आगे जाना है तो प्री बेसिक केमिस्ट्री जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें देखेंगे। यस, इस तरह से आप इनको देख सकते हैं।
चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, इनमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, आपको समझ में आ गया होगा। हो गया sp3 sp3। अब पूछा जो जा रहा है उसकी तरफ चलते हैं, उसकी संकरण हो गया आकृति बताइए। मैं यहीं पे बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, दोनों में sp3 है तो XeO3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 ऑर्बिटल 4, 1 2 3 4, ये होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। सेंट्रल एटम आपका XE है और ऑक्सीजन 3 है, 1 2 3। सारे ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल बच गया है, सारे sp3 है तो एक बच गया जिस पे क्या रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर रह जाएगा। सो अब इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो यहां से इस तरह से आप देख रहे हो, तीन खूंटे जैसा लग रहा है, ट्राइपॉड जैसा लग रहा है, तो एक फेस नीचे हो गया, तीन, एक दो तीन, तीन उसके दीवाले वाला एक पिरामिड बना, जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्राइएंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर, ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर, त्रिकोणीय पिरामिडीय संरचना लिखा होगा। द्वि पिरामिडी रॉन्ग है, द्वि पिरामिडी रॉन्ग है, इसलिए बोलते हैं जब किसी चीज को आप जब खोल के देखो तो पूरे बुद्धि के साथ उनको समझो। समझ में आई बातें? किसी भी बुक से आप बात कर रहे हो या किसी भी टीचर से भी बात करो तो हो सकता है गलती से वो लिखा जाए, गलती से बोला जाए, पर आपको भी समझदार होना होगा। समझ रहे हैं? तो ध्यान रखें, यहां पर होगा त्रिकोणीय पिरामिडी, द्वि पिरामिडी नहीं होगा। दूसरी बातें हैं XeO4, ये दिया गया है, बोलो XeO4 की बात आ रही है तो क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर है, बोलो XE बीच में आपका, ऑक्सीजन 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 चारों कोनों पर आ रहा है, तो चतुष्फल की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी काफी मायने रखते हैं आपके एग्जाम में, और काफी समझ की जरूरत पड़ती है। 100% किसी भी क्वेश्चन को लेकर के अगर आपके दिमाग में होगा ये क्वेश्चन 100% आने वाला है और दूसरे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सो ये जो कॉन्सेप्ट है अपने दिमाग से निकाल दो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा है कि फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है जो कि -1 अवस्था है। फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीडेशन नंबर, फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करती है, बात समझे। फिर बोलता है अन्य हेलोजन +1 +3 +5 और +7 भी प्रदर्शित करती है, क्यों? दो क्वेश्चन का जवाब देना है यहां पे, दोनों को प्रूफ करना है यहां पे, ये दो प्रश्नों से बना हुआ क्वेश्चन है। यस, दो दो क्वेश्चन एक साथ है। फर्स्ट लिखा है फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करती है, इसका जवाब आपको देना होगा। दूसरा जवाब देना होगा कि अन्य हेलोजन, फ्लोरीन को छोड़ करके अन्य हेलोजन -1 भी है ना, -1 +1 +3 +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करती है। ये दो प्रश्नों से बना हुआ पार्ट है। तो सबसे पहले एक प्रश्न हमारे पास आ रहा है, फ्लोरीन वाली बात कर देते हैं। तो याद रखो सबसे पहली बात है, इस शब्द का उपयोग करेंगे ये। फ्लोरीन प्रकृति का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व तो है, इसलिए ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित कभी नहीं करेगा। फ्लोरीन की किसी भी दूसरे तत्व से अगर तुलना करें तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे उच्च है, यानी कि हमेशा ये माइनस ही ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करेगा। एक बात आप क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात, ये माइनस तो हो गया ना, प्लस की भी बात कर देते हैं, हम प्लस माइनस की बात कर देते हैं और वन की बात करते हैं। -1 माइनस की बात हो गई ना, निगेटिव ही प्रदर्शित करेगा, पॉजिटिव कभी नहीं करेगा।
ओके दूसरा शब्द है वन। फ्लोरीन के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह भी ठीक है। अब बोलेगे सर 7 है तो 3 तो पेयर है और 1 अनपेयर है, वो भी ठीक है। 1 अनपेयर है यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। 7 में 3 युग्मित है, 3 पेयर्ड है, उनमें से 1 अयुग्मित हो गया तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर और नया हो गया, फिर 1 और अयुग्मित हो गया तो फिर 5 हो गया, फिर 1 अयुग्मित हो गया तो 5 से 7 हो गया। लेकिन यहां पर पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है क्योंकि इसके अंतिम कोष में डी कक्षक नहीं पाई जाती है। फ्लोरीन के अंतिम कोष में डी कक्षक नहीं पाई जाती है। जवाब आपको मिल रहा होगा, ऐसे प्रश्न कितना मायने रखेगा आपके लिए सोच लो। तो आपको जवाब मिल चुका है, फ्लोरीन सबसे अधिक ऋण विद्युती तत्व है, प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है या उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसलिए नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करेगी और अंतिम कोष में डी कक्षक नहीं पाया जाता है क्योंकि अंतिम कोष इनका दूसरा ऊर्जा स्तर ही होता है। पहले ऊर्जा स्तर में केवल एस सबशेल या केवल एस ऑर्बिटल, दूसरे में एसपी ऑर्बिटल और तीसरे में एसपीटी ऑर्बिटल होता है। हेलोजन में नॉर्मल कंडीशन में यानी कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन एस और पी ऑर्बिटल में ही भरता है। ओके सो आपको पूरी बात क्लियर हो रही बेटा जी? तो क्या बोला मैंने कि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं पाए जाने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। हाँ अब देखो फ्लोरीन के लिए बात करें तो इतना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पॉसिबल है क्योंकि इसके अंतिम कोष में डी ऑर्बिटल नहीं है। बात समझ में आ गया? बोलो तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिला आपको, माइनस नहीं 1 ही मिलेगा और प्रबल विद्युत ऋणात्मक को जैसे माइनस मिलेगा और 1 ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्लियर हो गई फ्लोरीन के बारे में? लेकिन अब प्रश्न आगे जा रहा है, अन्य सभी तत्व, अब अन्य दूसरे हैलोजन यानी दूसरे हैलोजन क्या करता है। दूसरे हैलोजन की बात करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा डी ऑर्बिटल भी मिलेगा। बोलो पहली बात तो है कि अन्य हैलोजन जो होते हैं उसमें फ्लोरीन से अधिक विद्युत ऋणात्मकता नहीं होती, यानी कि फ्लोरीन के साथ हैलोजन जुड़ेगा CLF तो ये नेगेटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ, हो गया। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, Cl से ज्यादा फ्लोरीन की है, इसलिए इसकी नेगेटिव हुई और इसकी पॉजिटिव हुई। क्लियर हो गई जवाब? तो दूसरे एलिमेंट में अगर फ्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात करें तो जैसे मान लेते हैं हमने बात किया सल्फर के साथ SCl2 की बात करें तो ये +2 क्या हो गया, क्लोरीन का हो गया -1, एक क्लोरीन का -1 दूसरे में क्लोरीन का -1 टोटल मिला के -2 यानी -1। तो क्लोरीन यहां पर -1 और यहां पर क्लोरीन जो है +1 ऑक्सीडेशन नंबर दर्शा रही है। बात समझ में आ रहा होगा कि दूसरे तत्व की बात कर रहे थे हम लोग, क्लोरीन CLF बनाती है, CLF3 बनाती है, CLF5 बनाती है, इस तरह से हाँ CLF7 भी बना सकती है किसी क्रिटिकल कंडीशन में। यस वैसे ब्रोमीन वैसे ही आयोडीन, तब उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है +3। देखो यहां पर कितना हुआ +1 +3 +5 +7 मिल रहा है। अब रीजन की तरफ चलते हैं, फ्लोरीन को छोड़ करके अन्य सभी एलिमेंट में, अन्य सभी हैलोजन में अंतिम कोष में डी ऑर्बिटल होता है। सो इनके इलेक्ट्रॉन देखो, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीकरण संख्या +1 हो सकता है, -1 भी हो सकता है कंडीशन वाइज। बोलो दूसरा एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गया
प्लस थ्री तीन, तीन संयोजकता है, एक दो तीन। याद रखना हायर वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं आता। यहां पर तो मैंने नेगेटिव ही लगा दिया, लेकिन यहां पर नेगेटिव नहीं लगाएंगे आप। बस में हायर वैलेंसी क्या नहीं हो सकती है, नेगेटिव कभी नहीं होती है किसी भी एलिमेंट की, ये याद रखिएगा आप। क्योंकि उसको हायर वैलेंसी देने वाला कोई एलिमेंट होता है तो उससे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। सोडियम कभी भी इसको हायर वैलेंसी नहीं देगा, फ्लोरीन ही देगा। आयोडीन को क्लोरीन दे देगा हायर वैलेंसी, ब्रोमीन को क्लोरीन दे देगा, फ्लोरीन दे देगा। समझ रहे हो ना, ये छोटी छोटी बातें एग्जाम के टाइम पे असर करता है, ये नॉलेज असर करता है। हम क्या करते हैं, याद करते हैं, जाते हैं, छाप के आते हैं, हमें भी नंबर मिला, उसे भी नंबर मिला, उसका नंबर जिन्होंने रटा है और तुमने जो सीखा है, नंबर तो एक हो गए, मार्क्स तो एक हो गए, लेकिन सक्सेस जस्ट दुगुनी है आपकी। एक जो आप यूज करोगे वो आपको फेंक देगा। असर समझ में आया? आप यूज करोगे फ्यूचर में, दूसरे एग्जाम में यूज करोगे, अपनी जिंदगी में काम लाओगे, वो फेंक देगा। क्योंकि फेंकेगा नहीं तो भी वो कचरे के भाव चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए कोई महत्व तो नहीं रखता है, वो आंसर आपके लिए रखेगा। क्लियर हो गई बातें? चलिए सर, क्योंकि मेरे बात आप ही टीचर बनोगे सर, हो सकता है आप ही डॉक्टर बनोगे, आप ही इंजीनियर बनोगे, आप कुछ बनोगे, तो यूज तो करोगे क्या इस नॉलेज का? यस। तो चले, हम आपको कह रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ प्लस थ्री, तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गया, देखो प्लस फाइव, पांच, पांच संयोजकता, और चूंकि पॉजिटिव होगा सीधी बात है हायर, और एक इलेक्ट्रॉन और उत्तेजित हो गया, कितना हो गया, सात। तो इस तरह से प्रथम द्वितीय तृतीय उत्तेजित अवस्थाएं आ जाती हैं, क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल है, फ्लोरीन में नहीं है डी। तो दो क्वेश्चन का जवाब मिला, यहां पर दोनों क्वेश्चन के जवाब एक साथ देने की कोशिश की गई है, पर ध्यान रखिएगा लेकिन दो अलग क्वेश्चन है। प्रश्नों को समझते समय समझें कि उन्होंने एक प्रश्न का क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन पूछा एक साथ, कि दो क्वेश्चन पूछा, कि तीन क्वेश्चन पूछा है। तो सब बातों को अलग करेंगे, हमने एक लाइन लिख दिया इतना आंसर और आ गए, हमारी दिमाग में रहता है ना, कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें इतना ही लिखा है उसको याद कर लिए, उधर वाले याद नहीं करे, तो याद नहीं भैया, समझ लो यार, लिख पाओगे? बोलो। हाँ जी, मैंने पूरी बातें क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन क्लोरीन की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक है क्यों? ऑक्सीकारक क्या होता है इसे समझें, ऑक्सीकारक क्या होता है इसे समझें। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही ऑक्सीकारक होता है, और फ्लोरीन प्रकृति का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उच्चतम होती है, प्रबलतम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। कारण, इसका परमाणु आकार छोटा और अंतिम कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, सात इलेक्ट्रॉन होना। चलिए, यहां पर इसके लिए पूरी बातें आपके पास लिखा गया है, बताया गया है, फ्लोरीन जो है क्लोरीन की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक है, क्योंकि फ्लोरीन का परमाणु आकार छोटा होता है क्लोरीन से, फ्लोरीन प्रबल और क्लोरीन से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, और फाइनली आप इस बात पे भी ध्यान दें, फ्लोरीन की ई नॉट वैल्यू यानी कि मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो होता है यहां पर क्या होगा, अधिक पॉजिटिव होगा, यानी ज्यादा होता है फ्लोरीन का क्लोरीन से अधिक होता है, पॉजिटिव होता है। ये तीन कारण जो है, इसी कारण से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, और यही कारण है कि फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।